बहुत थंडर है एक रहस्यमय कहानी। वो अचानक ही बोली, क्या तुम मुझे एक कंबल दे सकते हो? यहां बहुत ठंड है। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने देखा कि वो कांप रही थी। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाए और संगीत सुनने लगा। मैं उस मुर्गा घर में 10 वर्षों से रात की ड्यूटी कर रहा था और अब मैंने ऐसी फरमाइशें और शिकायतें सुनना छोड़ दिया था। बहुत ठंड है एक रहस्यमय कहानी। वो अचानक ही बोली, क्या तुम मुझे एक कंबल दे सकते हो? यहां बहुत ठंड है। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने देखा कि वो कांप रही थी। मैंने अपने कानों में एयरफोन लगाए और संगीत सुनने लगा। मैं उस मुर्गा घर में 10 वर्षों से रात की ड्यूटी कर रहा था और अब मैंने ऐसी फरमाइशें और शिकायतें सुनना छोड़ दिया था।